मैं केडी सिंह आईएएस एकेडमी के चैनल में आप सहकीब का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग आधुनिक भारत को शुरू करने से पहले मराठा राज्य को सीखते हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न आता है कि मराठा क्या है, तो आप इसका उत्तर जानने के लिए आप लिख सकते हैं कि मराठी बोलने वाले लोगों को ही मराठा कहा गया है। इनका इनकी राजकीय भाषा आप जान लें, इनकी राजकीय भाषा दो थी, एक थी मराठी और दूसरी थी संस्कृत। इनका झंडा या फ्लैग, नेशनल फ्लैग गेरुआ था या सैफ्रॉन था। इनके सिक्के मुख्यतः दो धातुओं, एक तांबे में और दूसरा सोने से निर्मित किया गया था। सोने अर्थात स्वर्ण से निर्मित किया गया था। तांबे के सिक्के को इन्होंने सिवराई कहा था और सोने के सिक्के को हूण कहा था। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मराठा राज्य के उदय का क्या कारण था, उदय का कारण क्या था। तो मराठा राज्य के उदय के जो कारण हैं, या आपके प्री और मुख्य दोनों परीक्षाओं में समान महत्व के, मराठों के उदय के जो कारण हैं उसमें पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति ये लिखते जाएं आप। दूसरा चीज है या दूसरा कारण है मराठा धर्म। तीसरा चीज है वह है युद्ध नीतियाँ, मराठों की युद्ध नीतियाँ। और चौथा जो पॉइंट है वो है औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति है। धार्मिक नीति। और जो पांचवा पॉइंट है वो है शिवाजी का करिश्माई व्यक्तित्व। शिवाजी का करिश्माई व्यक्तित्व। अब मैं आपको ये जो पांचों पॉइंट हैं इनमें से एक एक पॉइंट की क्रमिक व्याख्या कर रहा हूँ। आप इन पॉइंट को धीरे धीरे नोट करते जाएं। पहला पॉइंट है भौगोलिक स्थिति। यहाँ लिखा हुआ है भौगोलिक स्थिति, तो आइए हम देखते हैं कि क्या है भौगोलिक स्थिति। तो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा, एक तरफ तो अरब सागर है। अरब सागर के जस्ट पूर्व में सह्याद्री की पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी के अतिरिक्त उत्तर में सतपुड़ा रेंज तथा सतपुड़ा रेंज के अतिरिक्त एक और पहाड़ है जिसे विंध्यन रेंज या विंध्य पर्वतमाला कहा जाता है। यह है इन पहाड़ों के बीच, मतलब ये पॉइंट है, ये सॉरी लिखा है ये। अब इसी में दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, इन पहाड़ों में घने वन हैं, वन हैं। और तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, इसके अतिरिक्त यहाँ पर हजारों नाले और तेज गति से बहने वाली नदियाँ हैं। इस प्रकार से इन नदियों, इन नालों ने, इन पर्वतों ने
महाराष्ट्र को कैसा बना रखा है? उबड़ खाबड़ बना रखा है। उबड़ खाबड़ आप शायद समझ रहे हो, अर्थात जो प्लेन ना हो, अर्थात समतल ना हो, तो उबड़ खाबड़ बना रखा है। इस उबड़ खाबड़ का क्या प्रभाव पड़ेगा? उबड़ खाबड़ का पहला प्रभाव तो ये आएगा कि यहाँ पर कृषि कार्य करना आसान नहीं है और कृषि क्षेत्र से उत्पादन भी इतना नहीं होता, उत्पादन भी इतना नहीं होता कि लोग अपने जीवन का निर्वहन भी कर सके। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा, चौथा पॉइंट। यहाँ आपने देखा कि कृषि में उत्पादन अतिरिक्त नहीं है, यहाँ तक कि सब्सटेंशियल फार्मिंग भी नहीं है, जीविका निर्वहन भी इससे संभव नहीं है। सब्सटेंशियल अर्थात जीविका निर्वहन भी यहाँ संभव नहीं है। एक और पॉइंट, ये पूरा जो क्षेत्र है यह दक्कन के पठार पर है, दक्कन के पठार पर बसा है। दक्कन के पठार पर बसा होने से एक बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न होगी, वो ये है कि यहाँ पीने का पानी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ दो चीज़ें नहीं हैं, एक कृषि नहीं है, तो कृषि नहीं है तो अनाज नहीं है, और फिर पीने का पानी नहीं है। तो इसका मतलब जीवन जीने की दशाएं यहाँ बहुत ही टफ हैं। ऐसी स्थिति में मराठों के जीवन की एक लाचारी बन जाएगी, और वह लाचारी क्या है कि यह पड़ोसी राज्य, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो गोलकुंडा हो, चाहे वो मुगलाई क्षेत्र हो, उनमें लूटपाट करना इनकी एक अनिवार्य बुराई बन जाएगी। अनिवार्य हमने इसलिए कहा क्योंकि इसके बिना वो जीवित ही नहीं रह सकते थे। तो अब जब ये अनिवार्य बुराई बन गई लूटपाट करना, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पड़ोसी राज्यों की जो पुलिसिंग है, या आप कह सकते हैं कि सैन्य गतिविधियाँ हैं, उन पड़ोसी राज्यों की सैन्य गतिविधियों से बचने के लिए ये अपनी बस्तियों को या अपने घरों को कहाँ बनाएंगे? निश्चय ही अपने घरों को ये ऊंचाई पर बनाएंगे, जहाँ से वह दुश्मन की आती हुई फौज को देख सकेंगे और उनका सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। लेकिन इन बस्तियों को बसा तो लिया इन्होंने, सुरक्षा तो प्राप्त कर लिया, परंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष आएगा कि ये कृषि कहाँ करेंगे, ये पानी कहाँ से पाएंगे? तो कृषि और पानी को पाने के चक्कर में इनके स्त्रियों को, इनके बच्चों को और इन्हें स्वतः प्रतिदिन अनेकों बार पहाड़ों से चल करके घाटी में आना पड़ता था, और घाटी से पुनः इनको पहाड़ों पर जाना होता था। और इस यही वह मुश्किल का जीवन है जिन्होंने मराठों को जंगी और जुझारू बना दिया, और इसी जंग और जुझारू ने उनके अंदर एक युद्ध की नई प्रवृत्ति का विकास किया था, और वह युद्ध की नई प्रवृत्ति थी गुरिल्ला युद्ध। वैसे आप याद रखें कि ये जो गुरिल्ला युद्ध है, इसी को छद्म युद्ध भी कहा जाता है, परंतु ये मराठों की देन नहीं है। गुरिल्ला युद्ध ये मराठों की देन में शामिल नहीं है, अपित इसके जनक तो अहमदनगर के वजीर कौन है? ये मलिक अंबर हैं। अब ये मलिक अंबर के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लें, बाद में जहाँ जानना होगा वहाँ जाना जाएगा। मलिक अंबर के बारे में हम आपको ये सूचित करेंगे कि मलिक अंबर ये इथोपिया के रहने वाले हैं और हफ्सी हैं। हफ्सी मतलब इक्वेटर के आसपास रहने वाले लोग, यह हफ्सी कहे जाते हैं। लेकिन मलिक अंबर की जो गुरिल्ला युद्ध की नीति है, शिवाजी ने उसे ही हूबहू नहीं अपना लिया, अपित इसमें उन्होंने परिवर्तन कर दिया। अब आप जानना चाहते होंगे कि यह परिवर्तन क्या किया उन्होंने। परिवर्तन जो किया वह आपका विषय नहीं है और जानने के औचित्य भी नहीं है। हाँ, परंतु यह है कि परिवर्तन करने के बाद इसका नाम इन्होंने शिवसूत्र रखा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि शिवसूत्र क्या है, तो आप कहेंगे गुरिल्ला युद्ध का मराठी रूपांतरण। तो आपने देखा कि प्रकृति की यह जो देन है, भौगोलिक स्थिति है,
वो मराठों के लिए अभिशाप तो था, लेकिन अभिशाप में भी उनके उत्थान का रास्ता था और मराठे इस रास्ते पर चल करके अपना पूरा विकास करने में सफल हुए। अब हम आपको दूसरा पॉइंट ले चल रहे हैं और इसको बताना चाहेंगे कि मराठा धर्म क्या है और इसने मराठों का विकास कैसे किया। आइए देखते हैं। तो मराठा धर्म समझते हैं, क्या है मराठा धर्म। सबसे पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि मराठा धर्म जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा हिंदू धर्म ग्रंथों में। तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं इसमें क्या लिखा गया, हिंदू धर्म ग्रंथों में बणवात की, बणवात और जातिवाद का ये विषधर सदैव हिंदुओं को एक नहीं होने दिया। इसी वर्णवाद और जातिवाद ने हिंदू समाज में ऊंच नीच, छूत अछूत, अछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं को विकसित किया था। इसके साथ इसका परिणाम क्या होगा, जब आप वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, छूत अछूत में बटे हुए हैं तो निश्चय ही आप संघ नहीं बन सकते, और जो संघ नहीं है वह शक्तिहीन है, शक्तिहीन है। और यही कारण है कि विदेशी शक्तियों ने बड़े आसानी से हिंदुस्तान को जीता और उस पर शासन किया है। इसके साथ मराठा धर्म स्त्रियों पर भी बातचीत करता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही है, क्योंकि कभी उन्हें जुए में दांव पे लगाया गया तो कभी उन्हें दाम देकर खरीदा गया। तो हद तो तब हो गई जब स्त्रियों को दान में भी दिया गया। जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ स्त्री का विकास नहीं हो पाएगा। परिणाम क्या आएगा कि हमारा समाज सदैव बीमार होगा और इसका फायदा विदेशी लोग उठाएंगे। हमारे जो मनीषी हैं, या आप कह सकते हैं संत हैं, भक्त संत हैं या मराठी संत हैं, इन्होंने हिंदू धर्म की इस कमजोरी को बखूबी समझा था और इसी समझ को उन्होंने मराठा धर्म कहा है, मराठा धर्म कहा है। इस मराठा धर्म के प्रवर्तक शिवाजी के शिक्षक समर्थ गुरु रामदास हैं और इनकी प्रसिद्ध किताब है आनंद वन और दास बोध, इनकी दो किताबें हैं। परंतु जहाँ तक मराठा धर्म का प्रश्न है, मराठा धर्म आनंद वन से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन लगातार पूछते रहते हैं। अब आपके सामने जो दूसरा पॉइंट है, युद्ध की नीतियाँ, ये युद्ध की नीतियाँ अभी मैंने आपके बीच में शेयर कर दिया था। जब हम भौगोलिक स्थिति की व्याख्या कर रहे थे तो हमने आपको गुरिल्ला युद्ध प्रैक्टिस के बारे में बताया था। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति है। तो औरंगजेब की नीतियाँ कट्टरवादी कैसे हुई, औरंगजेब कट्टरवादी क्यों हुए। वैसे औरंगजेब खुद बीड़ा के प्लेयर होने के बावजूद भी उन्होंने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। निश्चय ही औरंगजेब के न चाहते हुए भी औरंगजेब को वह करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जब अपने भाई, बड़े भाई दारा सिकोह के साथ ये औरंगजेब हमने लिख दिया के साथ जब ये सत्ता का संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय दारा सिकोह को हिंदू नेता के रूप में प्रचारित किया गया और औरंगजेब को मुस्लिमों के प्रतिनिधि के रूप में प्रचारित किया गया। ऐसी स्थिति में बादशाह औरंगजेब जब बादशाह बने तो उनकी लाचारी थी,
कि वह मुसलमानों के लिए और उन्हीं के दबाव में कार्य करें। परिणाम था कि औरंगजेब की हर नीतियाँ यह गैर मुस्लिम विरोधी होती चली गईं। जब औरंगजेब ने जजिया कर को लगाया था तो उस समय इसका पहला विरोध शिवाजी ने ही किया था, और शिवाजी ने कहा था कि क्या हिंदू और मुसलमान दो ईश्वर की संतान हैं, और यदि वो एक ही ईश्वर की संतान है और उसी ईश्वर ने अपने बच्चों के लिए यह प्रकृति के सारे संसाधन उपहार में दिए हैं, तो ये जजिया के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में अंतर क्यों है। निश्चय ही शिवा की यह सोच उन्हें धर्म सहिष्णु बनाने के साथ मानववादी और मानव प्रेमी बना देती है, ठीक है, जिसके कारण औरंगजेब और शिवाजी में अंतर स्थापित किए गए थे। और औरंगजेब की इसी कट्टरवादी धार्मिक नीतियों ने ही महाराष्ट्र के हिंदुओं को एक संघ में बदला था, और इसी संघ के कारण मराठे एक शक्ति में बदले थे। अब हम आपको अगला पॉइंट बताएंगे, शिवाजी का करिश्माई व्यक्तित्व। करिश्माई का क्या मतलब होता है? करिश्माई का मतलब है कि आप परिवर्तन, या आप कह सकते हैं कि समय के साथ आप में परिवर्तन हो जाए और आपका प्रत्येक निर्णय समय की मांग हो। शिवाजी ने अपना जीवन खुद अपने हितों के लिए नहीं अपित महाराष्ट्र की जनता के लिए कुर्बान किया था, क्योंकि जब उन्होंने अपना विवाह किया तो ये समस्त विवाह उन्होंने मराठवाड़ा के 7 बड़े जागीरदारों के यहाँ किया था। ये 7 बड़े जागीरदार ये मराठा राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा थे, इसलिए शिवाजी ने यहाँ से विवाह करके इनसे रिश्ते बनाए और रिश्ते बना करके इनकी स्वेच्छाचारिता का अंत किया था। तथा इनकी तो स्वेच्छाचारिता का अंत किया, इसके साथ साथ उन्होंने एक काम और किया, और वो था कृषकों के लिए, शोषितों के लिए, स्त्रियों के लिए उन्होंने अनेकों लोक कल्याणकारी कार्य किए, जिसके कारण ये सभी शिवा के नेतृत्व में संगठित होते चले गए। और यही संगठन है जो शक्ति में बदला, और इसी ने एक बृहद राज्य मराठा राज्य का उदय किया। लेकिन अब हम आपके बीच में एक परिचय देना चाहेंगे कि ये शिवा जो एक करिश्माई व्यक्तित्व है ये कौन है। तो इसको जानने के लिए हमें इनके पूर्वजों को जानना होगा। तो आप जानें कि इनके पूर्वज कौन है। तो इनके पूर्वजों को जानने के लिए आइए थोड़ा हम इतिहास के पिछले पन्नों में चलें। देखिए, वर्ष 1303 है, और 1303 में उत्तर भारत में सुल्तान अलाउद्दीन का शासन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन है। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में राजस्थान की एक रियासत थी मेवाड़, और इसी मेवाड़ पर आक्रमण किया था। मेवाड़ के शासक थे राणा रतन रावल सिंह, और उनकी पत्नी थी पद्मावती। और एक चीज आप याद रखिएगा, राणा रतन सिंह के भाई हैं सुजान सिंह,
सुजान सिंह। तो भाभी मतलब पद्मावती और भाई राणा रतन सिंह मेवाड़ के इस युद्ध में मार दिए गए। मेवाड़ लुट गया और इसका नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े बेटे के नाम पर खिजराबाद कर दिया, जीवन की सुरक्षा के लिए। सुजान सिंह या सज्जन सिंह ये भाग करके मराठवाड़ा आने के लिए विवश हुए। मराठवाड़ा में रहते हुए इन्होंने अपने परिवार का पोषण किया था और इसी बीच उनकी पांचवी पीढ़ी, किसकी पांचवी पीढ़ी, सुजान सिंह की पांचवी पीढ़ी या उग्रसेन सिंह के नाम से जानी गई, उग्रसेन सिंह के नाम से जानी गई। उग्रसेन सिंह की ये दो बेटे हैं जिसे चार्ट से दिखाया जा रहा है, एक है कर्ण सिंह और दूसरे हैं शुभ कृष्ण। शुभ कृष्ण कर्ण सिंह के बेटे हैं भीम सिंह और शुभ कृष्ण के बेटे हैं बापूजी। बापूजी भीम सिंह ने बहमनी राज की सेवा किया था, बहमनी राज की सेवा किया था, इसलिए बहमनी राज ने भीम सिंह को घोरपड़े की उपाधि दिया था, घोरपड़े की उपाधि दिया था। खैर ये मैटर यहीं रुक जाएगा। अब ये शुभ कृष्ण हैं, शुभ कृष्ण के बेटे हैं बापूजी और बापूजी ने ही भोसले के टाइटल को धारण किया था। बापूजी भोसले के दो संतानें हैं, एक मालोजी भोसले हैं, भोसले हैं, और दूसरा बिठोजी भोसले हैं। मालोजी भोसले और बिठोजी भोसले अपने जीवन के निर्वहन के लिए, ये देखिए यहाँ लिख रहे हैं हम, अपने जीवन के निर्वाह के लिए एलोरा, एलोरा महाराष्ट्र में सतपुड़ा की पहाड़ियों के जस्ट नीचे स्थित है एक जिला एलोरा, और इसी एलोरा में एक स्थान है बेरुल, और इसी बेरुल में ये दोनों भाई खेतीबाड़ी करके या कृषि कार्य करके अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। परंतु जल्द ही यह सिंधखेड़ के जागीरदार हैं, जागीरदार हैं लखूजी जादव, लखूजी जादव। तो ये लखूजी जादव के अंगरक्षक बन गए, अंगरक्षक बन गए। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना है, घटती है जो इस रिश्ते में दरार उत्पन्न करती है। वह घटना क्या है तो आप ये देखिए, लखूजी जादव हैं, लखूजी जादव की बेटी हैं जीजाबाई, और मालोजी भोसले का बेटा है, भोसले का बेटा है शाहजी भोसले। इन दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हुआ, विवाह हुआ, लेकिन इस प्रेम संबंध और विवाह को जीजाबाई के पिता लखूजी जादव ने नहीं स्वीकारा। परिणाम क्या होगा, मालोजी और बिठोजी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। सेवाओं को समाप्त करने के बाद या समाप्त होने के बाद ये दोनों भाई अहमदनगर आए और अहमदनगर के, अहमदनगर राज्य की सेवा करते हुए मालोजी की मृत्यु हो गई। मालोजी की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर शाहजी भोसले की नियुक्ति की गई थी। अब नियुक्ति के बाद की घटना हो रही है, 1622
का वर्ष हमें याद करना होगा। वर्ष 1622 में जहांगीर ने अपने दक्षिण अभियान के अंतर्गत अपने बेटे शाह खुर्रम जिसे अहमदनगर की विजय के बाद शाहजहां कहा जाएगा या शाहजहां कहा गया, इन्हीं को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। फलतः 1622 में शाह खुर्रम और ये देखिए शाहजी के बीच भातवाड़ी का युद्ध लड़ा गया था और भातवाड़ी के युद्ध में खुर्रम की हार हुई थी। मतलब कौन हारा? खुद मुगल शहजादे युद्ध हार गए। इससे शाहजी भोसले के यश में वृद्धि हुई थी। परंतु 1636 में जब अहमदनगर का विलय कर लिया गया तो अहमदनगर के विलय के बाद शाहजी ने बीजापुर की सेवाएं स्वीकार किया था और इसी सेवा के बदले शाहजी भोसले को पूना और सुपा की जागीर दी गई थी। अब हमें देखना होगा कि शिवाजी का बचपन क्या है। तो अब शिवाजी का बचपन हम जाने, समझ में आ रहा है? तो अब शिवाजी का बचपन अगर हम देखें तो इसके लिए आपको एक बार लिखना होगा, इनके पिता शाहजी हैं, शाहजी भोसले हैं, और आप जानते हैं कि इनकी माँ जीजाबाई हैं, और एक इनकी स्टेप मदर या सौतेली माँ है, सौतेली माँ, और वो हैं तुकाबाई मोहिते। अब देखिए शाहजी भोसले, मतलब ये दंपत्ति है शाहजी भोसले और जीजाबाई की संतान के रूप में 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ था। अब जन्म स्थल क्या है इनका? जन्म स्थल है पूना, और पूना में एक नगर है जुन्नार, और इसी जुन्नार नगर में एक देवी का मंदिर है और इस मंदिर का नाम है शिव नेरी। इसी मंदिर के नाम पर यहाँ एक किला बना है जिस किले का नाम है शिवनेरी दुर्ग, और इसी शिवनेरी दुर्ग में बालक शिवा का जन्म हुआ था और इनका नामकरण इसी देवी के नाम पर किया गया या शिवनेरी देवी के नाम पर किया गया। और यहाँ ये भी जान लें कि बच्चे शिवा का पूरा नाम माने माँ जीजाबाई ने शिवाजी राजे भोसले रखा था। शिवाजी राजे भोसले के जन्म के तुरंत बाद माँ और पिता के बीच संबंध बिगड़े थे, मतलब जीजाबाई और शाहजी भोसले के बीच ये संबंध तनाव में आ गए। तो शाहजी भोसले ने जीजाबाई को छोड़ दिया और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिंते के साथ ये बीजापुर में रहने लगे। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि शिवा का बचपन कष्टप्रद है क्योंकि माँ जीजाबाई ने ही बच्चे का पालन पोषण किया था, और यही कारण है कि बच्चे शिवा पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वह प्रभाव किसका था? माँ का था। अर्थात
जीजाबाई का था। पिता सादे भोसले भी बच्चे के प्रति जागरूक हैं और सादे भोसले ने अपने बेटे की उच्च शिक्षा के लिए या सैनिक शिक्षा के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया था जिन्हें दादा कोड़देव के नाम से जाना जाता है, कोड़देव के नाम से जाना जाता है। तो माँ के बाद बच्चे पर अगर दूसरा किसी का प्रभाव पड़ा तो वह दादा कोड़देव का था। बच्चे सेवा को, आध्यात्मिकता का पाठ या मानव सेवा का बात या लोक कल्याण की प्रवृत्ति की शिक्षा उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास से मिली थी और इसी समर्थ गुरु रामदास के द्वारा ही शिवाजी ने गौ रक्षक, ब्राह्मण रक्षक की प्रतिज्ञाएं ली थी और आजीवन वे इनकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे थे। अब अगला का जो वीडियो है, मतलब शिवाजी का वैवाहिक जीवन और उनके अगले जो सैन्य कार्य हैं, उनके अष्टप्रधान हैं, ये आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। आपके सुनहरे कल की कामना।